हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखने वाले हैं डीमेरिट्स ऑफ मेंडेलीज पीरियोडिक टेबल। इसके पहले लेक्चर में हमने उसके मेरिट्स देखे, अब बात करते हैं उसके डीमेरिट्स की। तो बच्चों, ये डीमेरिट्स इसको याद रखने के लिए मैंने छोटे छोटे पॉइंट्स यहाँ पे बनाए हैं। अगर वो पॉइंट्स अगर आप याद रखोगे तो उसको एक्सप्लेन कैसे करना है ये भी आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलो स्टार्ट करते हैं मेंडेलीज पीरियोडिक डीमेरिट्स ऑफ मेंडेलीज पीरियोडिक टेबल। चलो, तो सबसे पहले बात करेंगे पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स, देन पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन एंड देन रॉन्ग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। बच्चों, ये तीन पॉइंट है, तीन पॉइंट को अगर आप अच्छे से याद रखोगे तो बाकी एक्सप्लेनेशन भी आसान हो जाएगा। तो बच्चों, आइसोटोप्स क्या होते हैं? तो बच्चों, आइसोटोप्स ये होते हैं जिनका एटोमिक नंबर सेम रहता है, एटोमिक मास डिफरेंट रहता है। जो कि एटॉमिक मास सेम होने के कारण वो एक ही एलिमेंट है, मतलब उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम ही रहेगी। ठीक है, और उसका एटॉमिक मास लेकिन अलग अलग रहता है। एग्जांपल अगर देखेंगे हम यहाँ तो कार्बन का देखेंगे, देखो कार्बन 12 एंड कार्बन 14, ये कार्बन का एटॉमिक नेम एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन एटॉमिक मास उसका अलग अलग है, जैसे कि कार्बन 12 और ये जो दूसरा है कार्बन 14। ठीक है, तो बच्चों, तो उनकी तो केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहने वाली है लेकिन उसका एटॉमिक मास चेंज हो रहा है। ठीक है, अगर बात करेंगे मेंडेलीज पीरियोडिक टेबल लॉ की, उसने जो लॉ बनाया था वो लॉ कहता है कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। एटॉमिक मासेस, तो एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंजमेंट किया है और वो एटॉमिक मासेस भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो जो आइसोटोप जो रहेंगे बच्चों, वो सब आइसोटोप्स को अलग अलग पोजीशन देना चाहिए था लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो क्या हुआ, उसने सभी आइसोटोप्स को एक ही जगह पे, सेम प्लेस पे जगह दे दी। तो ये जो है पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स, ये उसमें एक डीमेरिट्स है। ओके, बात करते हैं सेकंड। ठीक है, अब पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ऐसा एलिमेंट है बच्चों जो कि हेलोजन की तरह भी, मतलब हेलोजन की तरह मतलब हेलोजन की सिमिलरिटीज दिखाता है और अल्कली मेटल की भी सिमिलरिटी दिखाता है। सिमिलरिटी दिखाता है मतलब क्या, जिस तरह से हेलोजन अल्कली मेटल से रिएक्ट होते हैं उसी तरह से हाइड्रोजन भी अल्कली मेटल से रिएक्ट होता है, वो उनका हाइड्रेट फॉर्म करता है। ठीक है, या फिर जो अल्कली मेटल है जो हेलोजन क्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ उसके क्लोराइड और ऑक्साइड जिस तरह से फॉर्म करते हैं उसी तरह से ये भी उसका क्लोराइड और ऑक्साइड फॉर्म करता है। मतलब उनका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला रहेगा, मतलब जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला, वो सेम रहता है। तो मतलब ये हेलोजन की तरह भी बिहेव कर रहा है और अल्कली मेटल की तरह भी बिहेव कर रहा है। तो फिर इसकी पोजिशन कहाँ रखे, तो इसकी पोजिशन वो करेक्ट पोजिशन उसको दे नहीं पाया। ठीक है, ये बात हो गई हाइड्रोजन के बारे में। ठीक है, देन बात करते हैं रॉन्ग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस, वही बात आ गई। लॉ के हिसाब से सभी मेटल यूनिफॉर्म इंक्रीजिंग ऑर्डर में आने चाहिए थे, बराबर है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। लेकिन यहाँ पे कोबाल्ट और निकल के बारे में अगर देखेंगे तो कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर है 58.9 और निकल का है 58.7। तो कोबाल्ट को बिफोर प्लेस किया निकल के, जो कि रूल उसके लॉ के खिलाफ है। तो ये बात, मतलब ये जो यूनिफॉर्मिलिटी है, मतलब जो यूनिफॉर्म अरेंजमेंट होनी चाहिए थी वो वहां पर हो नहीं पाई। तो बच्चों, इस तरह से तीन डीमेरिट्स हमको याद रखने हैं। एक तो है पोजीशन ऑफ आइसोटोप, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रॉन्ग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस। ये तीन पॉइंट अगर याद रखोगे तो इसको एक्सप्लेन करना बहुत आसान जाता है। ठीक है बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।